हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नीतू फैमिली ब्लॉग पे। काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग आ रहा है। मौसम बढ़िया अच्छा हो रहा है और सुबह के काम भी मेरे सारे निमट गए हैं। आज मुझे बनाना है एक बैग बची कुची चीज़ों से, मतलब फोम जो बची हुई है, जो कपड़ों में साड़ियों में फोम आती है, उसका इस्तेमाल मैं आज एक बैग बनाने में करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वो जो फोम होती है हम वैसे ही डाल देते हैं क्योंकि वो किसी यूज में नहीं आती, तो मैं आज एक बनाने जा रही हूँ बैग, उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे और एक कपड़ा जो बचा हुआ है उसका भी, बिना चैन के मैं ये बैग बनाऊँगी। और जो हैंडल बनाएंगे वो भी हम कपड़े का बनाएंगे। मतलब बाज़ार से हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना है कि हमें बाज़ार से कुछ सामान लेना पड़ेगा। चैन भी नहीं लेनी है, हमें बेल्ट भी नहीं लेनी है, कोई फोम भी नहीं लेनी है, और कपड़ा हमारे पास जो है बचा हुआ है वो ही लेना है। तो जी, बनाने जा रही हूँ आज मैं वो बैग, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने वो कपड़ा ले लिया है, फैब्रिक जो बचा हुआ है इसमें मैंने खाना जी की काफ़ी सारे, मतलब चादर और गद्दा ये सब कुछ चीज़ें बनाई हुई है, खाना जी की ड्रेस भी बनाई हुई है, उसी में से ये फैब्रिक हमारा बचा हुआ है तो ये ले लिया है। ये वो फोम है जो मतलब कपड़ों में से निकलती है, जो रेडीमेड कपड़े लेते हैं हम, साड़ी लेते हैं या फिर बच्चों की शर्ट वगैरह लेते हैं, उनमें ये फोम बच के आती है। तो ये फोम मैं इसके बीच में इस्तेमाल करूँगी और बाकी इसमें कुछ नहीं लगने वाला है, तो फटाफट से लगते हैं इस काम पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आधा घंटे से पहले ही ये बैग बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों सेकेंडों में ये काम होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं, पूरी डिटेल आपको दूँगी, कितना मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। चलिए तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपना एक सूट ले लिया है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा ही एक दो बार पहना हुआ है, वो उसका आगे से जो है थोड़ा हिस्सा ख़राब हो गया था जल्दी से, तो मैंने उसका पीछे का ही पीस ले लिया है और मैं इसको काट रही हूँ पूरे पीस को। अभी मैंने ये नापा नहीं है, तो ये मुझे चाहिए बैग में फोम के और जो हमारा बैग का कपड़ा है उसके नीचे लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद सबसे पहले तो मैं करूँगी इस पर प्रेस, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ है तो उसमें सलवटें बहुत ज़्यादा आ रखी है। ओ फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अभी जो मुझे फैब्रिक लेना है बैग के लिए वो मैंने ले लिया है। अभी मैं इसकी नाप आपको बता रही हूँ, ये 24 इंच मैंने लंबा लिया है और 14 इंच मैंने ये चौड़ा लिया है, और मैंने इसी तरह से निशान लगाते हुए इसे दो तीन जगह निशान लगा लिया। अभी इस पर निशान पर जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया ये भी मैं इस कपड़ों को यहाँ से काट लूँगी। और फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पूरा कपड़ा काट लिया है, 24 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, उसी हिसाब से अभी मैं जो नीचे का फैब्रिक है वो कट करूँगी, और नीचे का फैब्रिक भी मैंने इसी बिल्कुल उसी नाप का काट लिया है। अभी मैं यहाँ पे लूँगी फोम, और ये फोम वही है जो बच्चों की शर्ट वगैरह में आती है, कपड़ों में निकलती है, किसी किसी सूट में या साड़ी में भी निकलती है, तो ये हमारे से वेस्ट ही थी और इसका आज बहुत अच्छे से एक इस्तेमाल मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसी नाप से ही इसमें भी निशान लगा लिया है, जबकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम थी तो इसी वजह से मैंने जो दो पीस थे वो एक जगह मिला लूँगी। और यहाँ पे मैंने फोम की बस लंबाई काटी है, चौड़ाई नहीं काटी, क्योंकि मुझे वो बीच में से अभी इसमें जोड़ लगाना है, और जोड़ लगाने के बाद मैं तब इसकी जो है चौड़ाई कट करूँगी। जोड़ लगाने के लिए मैंने दोनों पीस ऊपर नीचे रख लिए हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ज़्यादा ही मतलब लिया है, और इसके ऊपर सबसे मेन चीज़ जो है ऐसा डाला कि हम मशीन चलाएंगे तो मशीन इस पर नहीं चलेगी और वो रुक रुक के चलेगी और वहाँ से हमारी जो है फोम कट जाएगी। तो इसीलिए मैंने एक कपड़े का है जो है एक लंबी पट्टी ले ली है और उस पट्टी को उसी जोड़ पर रखते हुए मैं उस पर पूरी पट्टी पर सिलाई लगा दूँगी, इससे हमारी दोनों फोम जुड़ भी जाएगी और ये फोम कटेगी भी नहीं। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं ये दोनों फोम सिल रही थी तो दोनों फोम होने के बाद थोड़ा सा मोटा सा वहाँ पे हो गया था, तो मशीन चलना थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने मम्मी से थोड़ा सा इस पर फोम पे हाथ लगवाया है कि आप थोड़ा सा इसमें जो है पीछे की तरफ से इसे खींचना बहुत हल्के हाथों से, तो ये मशीन अच्छे से चल जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों ये फोम एक जगह सिल लिए, और देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारी दोनों फोम सिल गई है। अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, तो पहले मैं इसमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों कपड़े लगा करके इसी तरह से चारों तरफ से ये पहले कपड़े में सी लूँगी फोम और दोनों तरह के कपड़े, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीसीस होंगे वो मैं कट कर दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने चारों से इस पे चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अभी जितना भी फोम हमारी एक्स्ट्रा बची हुई थी तो मैं वो सारी कट कर दूंगी। इससे पहले मैंने इसीलिए नहीं करती कि कभी छोटी या बड़ी हो जाए। तो देखिए इसमें अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। और अभी जो है मैंने इसकी जितनी भी दोनों तरफ से निकली हुई थी एक्स्ट्रा फोम वो मैंने सारे कट कर दिए। और फ्रेंड फोम कट करने के बाद मैंने दोनों इसे बिल्कुल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल आगे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। और फोल्ड करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे जो मिला हुआ है नीचे से, वहाँ के दोनों तरफ मुझे दो दो इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, जिस तरह से मैं बिल्कुल वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से दो दो इंच पे ही लगाना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो इस तरह से दो दो इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे काट लेंगे। और देखिए फ्रेंड, कुछ कटने के बाद ये हमारा जो बैक का कपड़ा है इस तरह से दिखाई देगा। और फ्रेंड अभी यहाँ पे मैंने बना ली है पट्टी, जो कि मुझे मतलब पकड़ने के लिए हैंडल चाहिए। वो आपकी अपने हिसाब से बैक के हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई पट्टी की रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो तैयार कर ली है, बीच में उसे कट कर लिया है। अभी हम लगाएंगे इस पट्टी को। और बिना चैन के मैं ये बैग बना रही हूँ, तो इसीलिए इसमें मतलब चैन वगैरह का कुछ वो नहीं है कि चैन नहीं लगी। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसे पट्टी लगाने के लिए दोनों तरफ से मैंने चार चार इंच पे निशान लगा लिया है, जहाँ पे मुझे दोनों पट्टी का ये सिरे जोड़ने हैं। बैक का हैंडल लगाने के लिए उसके ऊपर मुझे एक पट्टी और लगानी है, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारी पट्टी भी मजबूती से जुड़ जाती है। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, लंबाई आपकी बैग के अकॉर्डिंग ही होगी। नीचे जो मैंने हैंडल रखे हुए हैं जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे ही उस बैग की तनी को लगाना है, और उसके ऊपर से हमें वो पट्टी रखते हुए पूरे उस पर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद पूरे पे इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है, उससे हमारे बैग की जो है फिनिशिंग भी अच्छी से आएगी और वही है हमारे बैग की जो पट्टी है वो बहुत मजबूती से जुड़ जाएगी। इस तरह से अंदर से मोड़ते हुए आप अंदर की तरफ भी एक सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरफ पट्टी लगा दी है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी पट्टी लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ मैंने पट्टी लगा ली है। अभी हम बैग को उल्टी तरफ से मोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल दोनों तरफ जो ये कोनार लंबाई में, इसे यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। डबल डबल सिलाई लगानी है, एक बिल्कुल अंदर की तरफ किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी, दूसरी थोड़ा सा अंदर की तरफ किनारे सिलाई लगाऊंगी। डबल लगानी है ऊपर की तरफ से नीचे से लेकर के, क्योंकि ये है फिर अकेली सिलाई जो होती है, बैग हैवी है हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें अकेली सिलाई जो है ऊपर से नीचे से खुलने का डर होता है। बस चलिए अब पहले दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ओ फ्रेंड, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। फिनिशिंग लाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है आप उसे कैंची से काट कर सकते हैं, या फिर आप इसी कपड़े की कोई बारीक सी पट्टी लेकर के इस पे किनारे पे लगाते हुए उसे अंदर की तरफ मोड़ भी सकते हैं, उससे फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। फ्रेंड दोनों तरफ से मैंने लगा दी है। अभी जो नीचे का जो हमने सिरा काटा हुआ था उसे इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, करते हुए इस पर भी एक छोटी छोटी सी सिलाई लगा देनी। यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई ही लगानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अभी हमारी सिलाई भी अच्छे से मजबूत हो चुकी है और इस बैग को अभी हम कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये बैग नज़र आएगा। और फ्रेंड बैग में और भी अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ जहाँ से हमने नीचे से ये जोड़ा हुआ था उसी हिसाब से उसी लंबाई में हमें ये ऊपर से इस तरह से मोड़ लेना है। तीन इंच पर हमें चारों तरफ, दोनों तरफ इस तरफ और दोनों तरफ दूसरी तरफ निशान लगा लेने हैं। बहुत बारीक सी एक चुन्नट हमें इसमें डालनी है इस तरह से। देखिए मैं जिस तरह से निशान लगा रही हूँ इस तरह से करते हुए, बहुत ही बारीक सी चुन्नट, ज़्यादा आपको कपड़ा नहीं लेना चुन्नट में, बहुत बारीक सी चुन्नट डालनी है। इससे हमारे बैग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और जैसे ही बैग हम नीचे रखेंगे तो दोनों तरफ से जो है हमारा बैग आराम से खड़ा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बहुत बारीक बारीक सी मैंने चुन्नट इसमें डाल ली है दोनों साइड में, और ये हमारे बैग की फिनिशिंग इतनी अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी। इसमें ना तो हमारा कुछ ऐसा पैसा लगा कि हमने ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की पट्टी खरीदी है, या फिर हमने कोई चैन खरीदी है, फोम खरीदी है, इसमें हमारा एक भी पैसा का खर्च नहीं हुआ है। और घर के ही चीज़ों से इतना अच्छा सा एक बैग बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ भी सामान कहीं जा रहे हैं तो रख सकते हैं, बैग
छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको कितना बड़ा बैग चाहिए या कितना छोटा बैग चाहिए, इसमें आप ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं तो छोटा मोटा सामान आपका सारा इजीली आ जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड मुझे ये बैग बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा आप भी मुझे कॉमेंट करना और इस तरह से आप भी एक बैग ज़रूर बनाना। फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है इसमें। और फ्रेंड मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो फ्रेंड बची हुई फोम का मैंने इस्तेमाल कैसे किया है, ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।